आपके इकलौते लोकसभा सांसद निलंबित, लोकसभा के बाकी बचे सत्र तक निलंबित, सुशील कुमार रिंकू पर लगे कैसे आरोप? आप इनके सदस्य के संबंध में प्रस्ताव रख रहे थे ना, ये जो आम आदमी पार्टी के श्री रिंकू थे, इन्होंने कागज फेंक के वेल में आके कागज फाड़ के फेंका है, आसन के सामने डाला है सर, इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। आप प्रस्ताव करो ना। प्रस्ताव करता हूँ, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पूरा सत्र के लिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन के लिए, माननीय सदस्य सुशील कुमार रिंकू, जिसका व्यवहार माननीय नए चुने निर्वाचित सदस्य थे और मैंने प्रयास किया कि वह सदन की गरिमा को बनाए रखें, लेकिन उन्होंने सदन की गरिमा नहीं बना के रखी और उसकी मर्यादा को कम करने का प्रयास किया। मैं माननीय सदस्य का नेम करता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, सर रूल 374 में मैं ये रेजोल्यूशन मूव करता हूं कि सुशील कुमार रिंकू जो दुर्व्यवहार किया है वेल में आके कागज फाड़ के फेंका है आसन के ऊपर उनको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन के लिए विलंबित किया जाए। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री सुशील कुमार रिंकू माननीय सदस्य को सदन के इस सत्र तक लिए बचे सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। आप इनके सदस्य के संबंध में प्रस्ताव रख रहे थे ना, ये जो आम आदमी पार्टी के श्री रिंकू थे, इन्होंने कागज फेंक के वेल में आके कागज फाड़ के फेंका है, आसन के सामने डाला है सर, इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। आप प्रस्ताव करो ना। प्रस्ताव करता हूँ, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पूरा सत्र के लिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन के लिए, माननीय सदस्य सुशील कुमार रिंकू, जिसका व्यवहार माननीय नए चुने निर्वाचित सदस्य थे और मैंने प्रयास किया कि वह सदन की गरिमा को बनाए रखें, लेकिन उन्होंने सदन की गरिमा नहीं बना के रखी और उसकी मर्यादा को कम करने का प्रयास किया। मैं माननीय सदस्य का नेम करता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, सर रूल 374 में मैं ये रेजोल्यूशन मूव करता हूं कि सुशील कुमार रिंकू जो दुर्व्यवहार किया है वेल में आके कागज फाड़ के फेंका है आसन के ऊपर उनको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन के लिए विलंबित किया जाए। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री सुशील कुमार रिंकू माननीय सदस्य को सदन के इस सत्र तक लिए बचे सत्र के लिए निलंबित किया जाता है।